सो गाइज, आज मैं आपको 10 यूनिक एंड अमेजिंग पासिंग स्किल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको मैच में भी काम आएगा. सो चलिए, लेट्स डू इट. पर वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. लेट्स डू इट. द रबोना. जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो, आपको अपने वीक फुट को बॉल के साइड में प्लांट करना है एंड आपको अपने स्ट्रांग फुट को अपने वीक फुट के पीछे से प्लेस करना है एंड देन आपको अपने फुट का आउटसाइड एरिया का यूज़ करना है बॉल के निचले हिस्से को हिट करने के लिए, जिसे आप बॉल को इजीली पास कर सकोगे रबोना स्टाइल से. जब भी आप बॉल को रिसीव करते हो और आपको डायरेक्टली पास करना होता है तो आप अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज़ करके डायरेक्टली बॉल को पास कर सकते हो, बॉल को डायरेक्शन दे सकते हो जो कि आपको एक बेहतर पास देने में हेल्प करेगा, जिसे आप बिहाइंड द लेग फ्लिक भी कह सकते हो. फेक शॉट. आपको इस तरीके से रन करना है जैसे कि आप बॉल को हिट करने वाले हो, बट आप बॉल को हिट करने के बजाय आप अपने दूसरे फुट से बॉल को पास कर दोगे, जिससे डिफेंडर को एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा एंड देन आपको एक फेक शॉट शो करना है. नंबर 4, स्कूप पास. आपके सामने डिफेंडर हो और आपको उसके ऊपर से बॉल पास करना है तो आपको अपने टो को बॉल के निचले हिस्से में प्लेस करना है, देन आपको उसे फ्लिक करना है ऊपर की ओर, जिससे एक बॉल के ऊपर लिफ्ट आ जाएगा और वो डिफेंडर के ऊपर से बॉल पास हो जाएगा इजीली, जिसे आप स्कूप पास भी बोल सकते हैं. द रोल फ्लिक अप. आपको अपने फुट का इनसाइड पोर्शन का यूज़ करना है बॉल को अप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अदर फुट, और जैसे आप बॉल को फ्लिक करोगे स्लाइटली आपको अपने फुट का इनसाइड या फिर हील का यूज़ करना है बॉल को पास करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ ऑफ बैक लेग. जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो और डिफेंडर सामने से आपको चेस कर रहा है और आपको दूसरी डायरेक्शन में बॉल को पास करना है अपने पार्टनर की तरफ, तो आपको अपने फुट के हील पोर्शन को यूज़ करना है बॉल को पीछे हिट करने के लिए एंड देन एट द सेम टाइम आपने दूसरे फुट का यूज़ करना है बॉल को हिट करने के लिए, वो भी इनसाइड एरिया का यूज़ करके, ताकि बॉल एक दूसरे डायरेक्शन में पास हो सके. जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे हो, आपके अपने फुट के निचले हिस्से का यूज़ करना है बॉल को स्लाइटली पुल बैक करने के लिए एंड देन एट द सेम टाइम अपने दूसरे फुट का इनसाइड एरिया का यूज़ करना है बॉल को हिट करने के लिए, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड वे में बॉल को पास किया जा सकता है और डिफेंडर्स को कन्फ्यूज किया जा सकता है. जब आप बॉल को पास करने वाले हो एंड डिफेंडर का फोकस एकदम आप पे हो, तो आप जिस डायरेक्शन में बॉल को पास करने वाले हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए, आपका लुक होना चाहिए, ताकि डिफेंडर को लगे कि आप उस डायरेक्शन में पास करने वाले हो, बट नहीं, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को पास करोगे, जिससे डिफेंडर्स ईजिली कन्फ्यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ द ट्रिवेला पास. आपको अपने फुट के आउटसाइड एरिया का यूज़ करना है बॉल के साइड हिस्से को हिट करने के लिए, जिससे एक ट्रिवेला कर्व क्रिएट होगा जिसे कि आप बेहतर पास कर सकते हो. फ्रेंड्स, जब आपके पार्टनर बहुत डिस्टेंस पे हो और आपको बॉल पास करना है
एयर में, तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। आपको अपने फुट का इनसाइड एरिया का यूज़ करना है और बॉल के सबसे लोएस्ट पोर्शन को हिट करना है। इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लॉन्ग बॉल इजीली पास कर सकते हो। सो गाइज, आप कौन से पासिंग स्किल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो मैच में, नीचे कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। कीप वॉचिंग।